नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। भारतीय संसद जो है टॉपिक, इस पर आधारित हमने पहला पार्ट देखा था। टोटल 50 प्रश्न थे, तो 25 प्रश्न देखे थे। यदि आपने नहीं देखे, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट और इस टॉपिक के हमारे प्रश्न भी समाप्त हो जाएंगे, तो कुल 25 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 से लेकर 50 तक प्रश्न हमको टोटल देखेंगे। और ये आपका टॉपिक 14 नंबर का जो है वो होगा संविधान पर आधारित। अलग अलग टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 26 से। तो 26 नंबर प्रश्न है आपका कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो करते हैं। पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा है कभी नहीं, तीसरा है यदि संसद ऐसा चाहे, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही हो जाएगा, कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो करते हैं। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो कभी भी जो है वो नहीं करते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने केवल बताया भी था क्लियर तरीके से कि आहूत करने का काम जो है वो राष्ट्रपति करता है, बुलाने का काम संयुक्त अधिवेशन को, और पूरी डिटेल में सारी चीजें बताई गई थी कि कब कब संयुक्त अधिवेशन जो है कितनी बार हो चुका है। 27 नंबर प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। बताइए कि संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। बताइए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। पिछले वाले पार्ट में क्लियर कर दिया था मैंने कि बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। अब बात कर लेते हैं चलिए अध्यक्षता की, तो आपका डी वाला ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न को एकदम रट कर रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ही जो है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। 28 नंबर प्रश्न है कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन जो है वो संबोधित करता है। बताइए प्रधानमंत्री संबोधित करता है, स्पीकर करता है, डिप्टी स्पीकर करता है, या फिर राष्ट्रपति करता है। संबोधित कौन करता है ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। संयुक्त बैठक को कौन जो है वो संबोधित करता है, प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, या राष्ट्रपति। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जो है संबोधित करने का कार्य जो है वो करता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 29, कि भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें जो है वो किस लिए आयोजित की जाती हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसको निर्वाचित करने के लिए की जाती हैं, या फिर उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए की जाती हैं, या फिर संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, या फिर उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। इस टाइप का सेम प्रश्न पिछले वाले पार्ट में आया था, यदि आपको याद होगा तो बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं चलिए आंसर की, तो भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित उस कंडीशन में की जाती है, उस विधेयक या किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन जो है उनमें मतभेद हो। बस यही डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपका है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, बताइए लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, या फिर प्रस्ताव गिर जाएगा। 31 नंबर भी प्रश्न लगभग वही पैटर्न पर है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसमें फैसला होता है, या फिर प्रस्ताव ही गिर जाता है। बताइए अच्छा प्रश्न है, कौन सा जो है इनमें सही होगा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या इन चारों ऑप्शन में से जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो जो प्रस्ताव होता है वही जो है आपका गिर जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि संसद जो है उसकी कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो है वो कौन सा होता है, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव, या फिर स्थगन प्रस्ताव। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो है वो कौन सा जो है वो आपका होता है, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, या फिर स्थगन प्रस्ताव। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में, तो प्रश्नकाल आपका सबसे पहला विषय होता है संसद की कार्यवाही सूची में, यही आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। 33 नंबर प्रश्न है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, या फिर मंत्रालय जो है उनकी मांगों का गिलोटिन किया जाना।
अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली जो है उसको भारत की देन है। क्वेश्चन तो हमने देख लिया, बताइए शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालय जो है उनकी मांगों का गिलोटिन किया जाना, इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं, तो संसदीय प्रणाली जो है इसको भारत की देन है शून्यकाल, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 34 नंबर की, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब जो है वो समाप्त समझी जाती है यदि वह सदन को सूचित किए अनुपस्थित जो है वो रहता है। साथ में बिना भी है यहाँ पर, यदि वो बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। बताइए कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता, कोई संसद का सदस्य है उसकी सदस्यता कब समाप्त समझी जाएगी, जब वो बिना सदन को सूचित किए कितने दिन जो है वो अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित जो है वो रहता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में, तो 60 दिन आपका पहला वाला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 60 दिन जो है तक वो सदन को बिना सूचित किए जो है वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त समझी जाती है। अगला देखते हैं 35 नंबर प्रश्न कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अच्छा प्रश्न है, बताइए एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार, कौन सा जो है इनमें से सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहे। तो बताइए एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि दो बार जो है वो बिल्कुल सही होगा, कम से कम दो बार जो है संसद की बैठक होना आवश्यक है। 36 नंबर प्रश्न आपका काफी बड़ा है, थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा प्रश्न जो है एक साथ दिखाई दे। तो प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि संसद में इस टाइप से इधर राज्यसभा और इधर लोकसभा ये लिखा हुआ है, फिर राज्यसभा में लिखा है कि 250 से अनधिक सदस्य और लोकसभा में इस प्रकार 552 सदस्यों की बात की गई। फिर उसके बाद इन 250 से जो अनधिक सदस्य हैं उनमें 12 नाम निर्देशित और 238 से अनधिक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, और जो 552 है उसमें 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन, और इधर साइड जो है वो आपका एक्स। अब आपको ये बताना है कि जो एक्स है यहाँ पर इसकी जगह रखना जो है वो क्या ठीक होगा। लोकसभा की बात की गई, लोकसभा में इसके अंतर्गत इस प्रकार से डिवीजन है, तो एक्स की जगह पर क्या आएगा, वे मंत्री जो सांसद या संसद जो है उसके सदस्य नहीं है पर जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदन के लिए करवाना है। बी ऑप्शन है 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य, सी ऑप्शन है संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, और डी ऑप्शन है महान्यायवादी जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। तो बताइए इस एक्स की जगह कौन सा जो है आएगा। ऊपर प्रश्न केवल यही लिखा कि नीचे सारणी दी गई है, इसको आपको देखना था, उसका जो है विवरण करते हुए आंसर देना था। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, यही जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 37 नंबर प्रश्न कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या जो है वो कथित है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ये 2 पॉइंट है। उसके बाद नीचे पूछा गया है कि निम्नलिखित कोट में से सही उत्तर आपको जो है वो छांटना है कि कोई नहीं सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होंगे, केवल 1 सही होगा या फिर केवल 2 सही होगा। बताइए कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या जो है वो कथित है। चलिए बात करते हैं आंसर की चारों ऑप्शन में से, तो आपका केवल और केवल जो दूसरा वाला यहाँ लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, बस ये वाला बिल्कुल सही है। तो केवल 2 वाला आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, बाकी राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा ये आपका कट जाएगा। वैसे यहाँ पर केवल 2 के साथ हम ना जा करके 1 और 2 दोनों के साथ जाएंगे। आंसर तो वैसे यहाँ पर
ये वाला दिया गया था, पर मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है, और कि भारत के संविधान में ये चीज उल्लेख भी है क्योंकि किस आर्टिकल में, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज, संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। आप देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो है वो नहीं होगा, ये एक्चुअल में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 59 में, और प्रश्न एक्चुअल में यही पूछा गया है कि भारत के संविधान जो है किसमें जो है ये चीज कथित है, तो अनुच्छेद 59 आपका यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगा, ये आपका अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है, और इसके अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और दो सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो आंसर आपका यहाँ पर एक और दो, दोनों बिल्कुल जो है वो सही होगा। वैसे हालांकि यहाँ पर केवल दो दे रखा था, वो गलत है। अगला देखते हैं 38 प्रश्न। अगला प्रश्न 38 है कि निम्न जो विधेयक है उनमें से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से जो है वो पारित होना आवश्यक है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, या फिर वित्त विधेयक, या फिर संविधान संशोधन विधेयक। बताइए कि जो यहाँ पर विधेयक दे रखे हैं उनमें से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कौन सा जो है इनमें से सही होगा, ये आपको जो है वो बताना है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो इन चारों ऑप्शन में से संविधान संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक है जो भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन से प्रश्न भी काफी आते हैं, इसीलिए प्रश्न मैंने कहा याद रखिएगा। 39 प्रश्न कह रहा है कि सांसदों के जो वेतन होते हैं उनका निर्णय जो है वो कौन करता है? संसद करती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद करती है, राष्ट्रपति करता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष करता है? जो सांसद होते हैं ना उनके वेतन का निर्णय कौन करता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सांसदों के वेतन का निर्णय, चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका आपका पहला वाला ये ऑप्शन यानी कि संसद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद के द्वारा जो है वो होता है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कि कोरम है? 1/10, 1/6, 1/4 या फिर 1/3? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं इन चार ऑप्शन में से आंसर की। तो संसद के कुल सदस्यों का 1/10 भाग आपका जो है बिल्कुल सही होगा, तो वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक जो है वो होता है। 41 नंबर प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रिया सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या फिर राष्ट्रपति सरकार? और राष्ट्रपति जो है आपका, यही हमारा अगला टॉपिक भी होगा कि यह संसद पर आधारित टोटल 50 ही हमारे प्रश्न है। तो बताइए संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है अन्य? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका संघीय सरकार के नाम से जो है आपका जाना जाता है। सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। 42 प्रश्न देखते हैं कि भारत की संसद के बारे में इनमें से क्या जो है वो सही नहीं है, आपको ये जो है वो बताना है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। बी ऑप्शन है लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। सी है कि राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता। और डी ऑप्शन है कि राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है वो नाम निर्देशित होते हैं। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो है वो संसद के बारे में सही जो है वो नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं इन चार ऑप्शन में से आंसर की, कौन सा सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये आपका जो है वो सही नहीं है, बस यही आपका सही होगा। अगला प्रश्न 43 है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद जिसे हम हंग पार्लियामेंट कहते हैं उसका गठन कब हुआ था? 1980, 1989, 1991 या 1977? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु जो संसद है वो आपको बताना है उसका गठन जो है वो कब हुआ था।
चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन 1989 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर बात करें भारत में त्रिसंघ जो संसद है ये बनती कब है, तो या भारत में त्रिसंघ संसद क्या है, तो आप कहेंगे भारत जो सरकार है उसकी द्विदलीय संसदीय प्रणाली में जब एक त्रिसंघ संसद तब बनती है जब किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल को सीटों की संख्या के अनुसार संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तब जो है वो बनती है। और इसे हम कभी कभार संतुलित संसद या बिना किसी नियंत्रण वाली विधायिका के नाम से भी जानते हैं। 44 प्रश्न आपका है कि अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही, चार ऑप्शन है बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 18 सितंबर 1951 या फिर 17 अप्रैल 1952, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन डी वाला 17 अप्रैल 1952 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 अप्रैल मेरा बर्थडे होता है। तो अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी, 17 अप्रैल 1952 तक जो है वो रही थी। इसी से रिलेटेड पिछले वाले वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था जो शायद आगे अभी आपको देखने को मिले भी। अगला 46 प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है, बताइए। यहाँ पर 45 नंबर वाला जो प्रश्न था वो देखिए शायद मिसिंग हो गया, वो प्रश्न वही था जो हमने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, वो हम आपको ऊपर दिखा देते हैं। ये वाला प्रश्न था 45 नंबर वाला। तो सबसे पहले इसको बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। ये 45 नहीं, ये 41 नंबर वाला क्वेश्चन है शायद, रुकिए देख के बता रहे हैं। 45 ही है, यहाँ लिख देते हैं 45 नंबर का ये क्वेश्चन। तो भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था, 1917, 1927, 1937 या फिर 1947, यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। तो बताइए फटाफट से कौन सा इसका जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो 1927 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन जो है वो 1927 में जो है आपका हुआ था, याद रखिएगा। ये हो गया आपका 45 नंबर प्रश्न। वापस से लौटते हैं 46 प्रश्न की तरफ। इस संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान कौन करता है, संसदीय मामलों के मंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका सत्रावसान जो है मैंने बताया भी काफी बार, राष्ट्रपति जो है ये करता है। 47 प्रश्न है कि संसद जो है उसके किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, विरोधी दल के सांसद को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को या फिर निर्दलीय सांसद को, बताइए कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य जो है वो कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो मंत्री के अलावा जो अन्य प्रत्येक सांसद होते हैं इन्हीं को गैर सरकारी सदस्य जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 48 प्रश्न आपका है कि भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च जो है वो कर सकता है, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, बताइए कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार संसद का अगर कोई एक सदस्य है तो वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितनी राशि जो है वो खर्च कर सकता है। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आपका 5 करोड़ रुपया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, 5 करोड़ रुपया तक सोचिए विकास कार्य में खर्च किया जा सकता है। देखते हैं 49 प्रश्न है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था टोटल 50 तक हम प्रश्न देखेंगे, ये सेकंड लास्ट प्रश्न है और 50 प्रश्न के साथ साथ एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 49 प्रश्न है कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय जो है वो कौन करता है, अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष या सभापति करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय की जब बात होती है तो राष्ट्रपति जो है आपका करता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टेडा जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत की संचित निधि से धन जो निर्गम है उस पर किसका नियंत्रण है, महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक का है, या फिर भारत के वित्त मंत्री का है, या फिर अधिकृत मंत्री का है, या फिर संसद का है। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से आंसर की। तो भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर जो नियंत्रण होता है वो संसद के पास होता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। सभी आपके प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रपति। तो उसी टॉपिक से ही हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 65 वर्ष, बी ऑप्शन है 70 वर्ष, सी ऑप्शन है 75 वर्ष, और डी ऑप्शन है इनमें से या कोई आयु सीमा ही नहीं है। अधिकतम आयु पूछी गई है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अपना आंसर एबीसीडी में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। राजकोट में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।